सांस लेते हुए मुट्ठी को बांधेंगे और फोर्स से सांस छोड़ेंगे और मुट्ठी खोल देंगे। सांस लेते हुए मुट्ठी बांधेंगे टाइट, सांस छोड़ेंगे और खोल देंगे। एक बार और सांस लेते हुए मुट्ठी बांधेंगे, सांस छोड़ेंगे और खोल देंगे। हाथों को पलट लेंगे हथेलियां छत की तरफ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन दोनों
दोनों पैरों को फैला लेंगे और अंगूठे को छूने का कोशिश, हाथ कुर्सी, सांस लें तो वापस इसी तरीके से दूसरा साइड। वापस दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे और आगे झुकेंगे, नीचे तक जा सकते हैं। पैर को साइड पे करके एक बार पैर को पकड़ेंगे और थोड़ा तनाव आ गया होगा तो बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी साइड में रखेंगे, सीधा कर लिया अभी फैला हुआ था ना, सीधा कर लिया। थोड़ा पैरों को रिलैक्स करना है तो हल्का हल्का ऐसे मार देंगे, थोड़ा सा मुट्ठी से मारेंगे तो हल्के जो कई बार वो होता है ना पैर बटना सा बैठने में डाम होने लगता है, वैसे हाथ से ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है तो आपको फील लगेगा बंधा हुआ जो पैर रख के लगता है मोड़ने से इतना हरा आ गया होता है। वैसे बटनासन में होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस एक बार उत्थान मंडूकासन, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे सांस लेते हुए इस तरीके से और पीछे कंधों को थोड़ा सा पीछे करें, होल्ड करके दोनों हाथों को ऐसे पीछे करेंगे, पीछे कर सकते हैं कंधों को पीछे की साइड ले जाएंगे और हाथों की गोलियां सीधी रहेंगी। तो स्टेन आता है पीछे मोड़ का बैकबोन का स्टेन हो जाता है। और इसी डबल टास्क में बैठ के शशांक आसन और सांस लेते हुए पेट खाली करेंगे, थोड़ा छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पेट खाली हो जाएगा नीचे झुके रहेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। 5, 4, 3 वापस आ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल वाले आसन करेंगे। ये हाथ ऐसे रखता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा यस। ये जो पंजे हाथ के पंजे है ना उनको एक के ऊपर ऐसे पूरा आपके हाथ स्ट्रेट हो रहे हैं, बाहर हैंड पे पूरा प्रेशर आ रहा होगा, ये हैंड के हाथ एक बार और हाथ थाइस के नीचे ले जाएंगे शलभासन के, थाइस के नीचे हाथ रखेंगे सहारा नीचे तो पैरों को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, पहला नीचे रहेगा दोनों पैर जितना अपना थाइस से जोड़ के लिए कमर से बल लगाएंगे तो पैर ऊपर उठे, आगे का शरीर नहीं उठता। वापस एक बार और नौ से ऐसे हिप से टच होने चाहिए, पैर हिप से टच होने चाहिए। रिलैक्स सीने छोड़ देंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे जो भी आसन रिलैक्सेशन का आसन है। चार पैर कैट पोज डालें, चार पैर पे उठने और हाथ के पत्ते नीचे कैट पोज, सांस लेते हुए
करेंगे लड़कर अंदर ऊपर फिर से सांस लेते हैं एक हाथ एक पैर ऑल्टरनेट हाथ ऑल्टरनेट पैर जब सीधे जा रहे हैं तो गर्दन ऊपर और जब अंदर आ रहे हैं तो हाथ भी अंदर आ सकता है अगर नहीं हो पाए तो हाथ नीचे रखते हैं और पैर रखते हैं पैर से तो एक गर्दन पर ऑल्टरनेट हाथ ऑल्टरनेट पैर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर अंदर हाथ अंदर और गर्दन अंदर वो पाए तो उसके बैठ जाएंगे अपना जगह पे लेट जाए लेटने वाले आसन वाले आसन दोनों पैर ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए 90 डिग्री सांस छोड़ते हुए 30 डिग्री पे लेके आएंगे 45-30 पे और होल्ड करेंगे
करेंगे, सांस लेंगे और घबरे की आवाज में सांस छोड़ेंगे। शांत हो जाएंगे, पांच मिनट ध्यान करेंगे। कल बताया था सांस लेते हुए सो की आवाज आनी चाहिए सांस में, नाभि से सांस लेंगे आज्ञा चक्र तक जाएगी और आज्ञा चक्र हमारे यहाँ माथे पे होता है, वहाँ से सांस छोड़ेंगे और नीचे नाभि तक आएगी। सो से लेंगे हम से छोड़ेंगे, फिर हम से आवाज आनी चाहिए, सांस में बोलना नहीं है लेकिन सांस में ऐसा महसूस करना है सो से जा रही है और नीचे से पूरा नाभि से श्वास जा रही है। लेंगे नाक से ही लेकिन सो की आवाज हमारी श्वास में आनी चाहिए, फिर हम से छोड़ रहे हैं, हाथों को मलें, आंखों पे रखें और धीमे से सुंदर मुस्कान के साथ आपके को खोलेंगे। जितना भी हमारे पास